मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया लेसन करेंगे। लेसन नंबर 6, पेज नंबर 34। ओपन योर बुक, पेज नंबर 34। लेसन का नाम है प्यारा सा एक पत्र। ये एक सहेली ने दूसरे सहेली को लिखा है पत्र, वही इस लेसन में दिया गया है कि उस पत्र में उसने क्या क्या लिखा था। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले पत्र के बारे में जानते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर और एक अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर। तो औपचारिक पत्र जो होता है वो हम लोग ऑफिशियल वर्क में ऑफिशियल वर्क के लिए लिखते हैं, और अनौपचारिक पत्र हम किसी को भी लिख सकते हैं, जैसे अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को, अपने माता पिता को, किसी को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पत्र कैसे लिखते हैं चलिए वो देखते हैं। एक कागज लेंगे, जो भी आप जिसमें लिखेंगे, ठीक है, उसमें जो कागज में आप लिखेंगे उसमें लेफ्ट साइड में आपको अपना पता लिखना है। जो लिखता है पहले उसका पता पहले होता है, इसके बाद आप अभिवादन करेंगे, फिर अपने मन का बात लिखेंगे कि उससे अगर कुछ पूछना था या कुछ बताना था वो आपको पूरा लिखना है। लिखने के बाद लास्ट में आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस लेसन में क्या है। देखिए, ये एक पत्र है जो मनप्रीत कौर ने मान्या को लिखा था। किसने लिखा था? मनप्रीत कौर ने मान्या को लिखा था। तो पहले उसने अपना एड्रेस लिखा है, पता 47/2 अंसारी रोड नई दिल्ली, और तारीख भी लिखना है 25 जुलाई 10। प्यारी मान्या, नमस्ते, तुम्हारा पत्र मिला पढ़कर खुशी हुई कि तुम आगरा घूमकर आई हो। पत्र में तुमने आगरा के ताजमहल के बारे में बताया। तुम्हारे अनुभव जानकर मेरा मन भी ताजमहल देखने को कर रहा है। ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में है। तो कुछ दिन पहले मान्या आगरा घूमकर आई थी और मनप्रीत को एक पत्र लिखा था, तो वो जानकर मनप्रीत को बहुत खुशी हुई। ये पत्र मैंने तुम्हें अपनी गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताने के लिए लिखा है। तो मनप्रीत ने ये चिट्ठी किसको लिखी थी? मान्या को। किस लिए लिखी थी? गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताने के लिए। इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने माता पिता के साथ नाना नानी के घर गई थी। मनप्रीत कहाँ गई थी? नाना नानी के घर गई थी, अपने मम्मी पापा के साथ। मेरी नानी का घर शहर से दूर एक गांव में है। उनके गांव का नाम चंदनपुर है। गांव का नाम क्या था? चंदनपुर था। मेरे नाना जी वहां के जमींदार हैं। वहां पर शहरों की तरह पक्की सड़कें नहीं हैं। गांव में पक्की सड़कें बहुत कम ही पाई जाती हैं, ज़्यादातर कच्ची सड़कें होती हैं। धूल मिट्टी चारों ओर फैली रहती है तथा लोग कुएं पर पानी भरने जाते हैं। जैसे शहरों में पानी घर पे आता है ना, पर गांव में ऐसा नहीं होता है। वो वहाँ की औरतें बहुत दूर, कभी कभी तो बहुत मीलों चल के जाके कुएं से पानी लेके आती है या तालाब से पानी लेके आती है। मान्या, सबसे आश्चर्य भरी बात ये है कि वहाँ के लोग बेड टी नहीं लेते बल्कि सुबह गरम गरम दूध पीते हैं और नहा धोकर पूजा करते हैं। सुबह सुबह चाय पीना अच्छी बात नहीं है, तो गांव के लोग भी चाय नहीं पीते, वहाँ के लोग दूध पीते हैं और नहा धोकर पूजा करते हैं। वे लोग सादा जीवन बिताते हैं और बहुत परिश्रमी होते हैं। स्त्रियां घर का काम करती हैं और सभी पुरुष बहुत सवेरे ही काम पर चले जाते हैं। सभी बच्चे पकड़म पकड़ाई, टापू रस्सी कूदना,
खो खो, पोसम अपा भाई पोसम अपा, चोर सिपाही, गुल्ली डंडा, वो पतंगबाजी इत्यादि खेल खेलते हैं। गांव के लोग, गांव के जो बच्चे होते हैं वो ये सब खेल खेलते हैं। हम लोग के जीवन में खेल का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हम लोग को खेलना चाहिए, खेलने से लोग का शरीर अच्छा रहता है। ठीक है, तो खेलना कूदना भी बहुत जरूरी है। गांव के लोगों का पहनावा भी अलग प्रकार का है। स्त्रियां साड़ी और लहंगा चुनरी पहनती है और पुरुष धोती कुर्ता व पगड़ी पहनते हैं। स्त्रियां क्या पहनती है? साड़ी और लहंगा चुनरी पहनती है और पुरुष धोती कुर्ता व पगड़ी पहनते हैं। सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। शाम के समय कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। वहाँ के लोग शहर के लोगों की तरह टेलीफोन पर बातें नहीं करते, बल्कि आमने सामने बैठकर खूब बातें करते हैं। गांव में टेलीफोन की सुविधा नहीं होती है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं? आमने सामने ही बैठ के बातें करते हैं। टेलीफोन से वहाँ पे बातें नहीं होती है। मान्या, हम वहाँ पूरे 4 दिन रहे। वो कितने दिन? मनप्रीत अपने नाना नानी के घर कितने दिन रहती? 4 दिन। वहाँ सड़क के दोनों ओर लहलहाते खेत थे। गांव में खेत होते हैं ना, तो वहाँ पे लहलहाते खेत थे। हरे भरे खेत बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैंने भी खेतों से गन्ने तोड़कर खाए। यह मेरी जिंदगी का पहला रोमांचक अनुभव था, जब मैंने कोई भी चीज अपनी हाथ से खेत से उखाड़कर खाई थी। मेरी नानी ने मुझे अपने हाथ से कपड़े सिलकर दिए हैं। इन 4 दिनों में मेरी बहुत सी सहेलियां भी बन गई थी। मेरा मन शहर लौटकर आने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा था, परंतु पिताजी को दफ्तर से इतनी ही छुट्टियां मिली थी, इसलिए हमें जल्दी वापस लौटना पड़ा। हम सभी ने वहां खूब मजे किए। गांव में जब वो गई थी तो वहां पे उसको बहुत मजा आया था। वो वहां से आने का उसको मन नहीं कर रहा था। नाना नानी के घर से आने का मन तो ऐसे भी नहीं करता है। ठीक है, तो अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, शरारती रोहन की शरारते कम हुई या नहीं, मेरा चंदनपुर गांव का अनुभव तुम्हें कैसा लगा, पत्र लिखकर बताना। यहाँ पर फिर मनप्रीत ने मान्या को कहा कि मेरा चंदनपुर गांव का अनुभव जो है, मैंने जो बताया वो तुमको कैसा लगा, वो मुझे फिर से पत्र लिखकर बताना। और देखो लास्ट में लिखा है, तुम्हारी सखी मनप्रीत कौर। तो बच्चों, ये लेसन आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ना और ये वीडियो आप लोग अच्छे से देखना। ठीक है।